नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। बालोद हादसे में 11 लोगों की मौत, घायल बच्चे ने भी तोड़ा दम। बालोद में बुलेरो कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 10 एक ही परिवार के थे। मरने वालों में 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। ये सभी लोग शादी में शामिल होने जा रहे थे। हादसा कांकेर नेशनल हाईवे पर जगतरा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि परिवार धमतरी के सोरम गांव से बुलेरो में सवार होकर शादी में शामिल होने के लिए मरकाटोला जा रहा था, लेकिन बीच में ही एक्सीडेंट हो गया। हादसे में मरने वालों में 2 बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि बुधवार रात ये हादसा हुआ। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। ये सभी लोग शादी में शामिल होने के लिए मरकाटोला जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि 10 लोगों की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल के जाते वक्त जान चली गई। उन्होंने बताया कि सभी के शवों को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, अभी सूचना मिली है कि बालोद के पुरूर और चारमा के बीच बालोद गहन के पास शादी कार्यक्रम में जा रही बोलेरो और ट्रक के बीच भिड़ंत में 10 लोगों की मौत हो गई है और बच्ची की स्थिति गंभीर है। ईश्वर दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को शांति एवं उनके परिवारजनों को हिम्मत दे। घायल बच्ची के स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मृतकों के नाम: केशव साहू 34 वर्ष, डोमेश ध्रुव 19 वर्ष, टोमिन साहू 33 वर्ष, संध्या साहू 24 वर्ष, रमा साहू 20 वर्ष, शैलेंद्र साहू 22 वर्ष, लक्ष्मी साहू 45 वर्ष, धर्मराज साहू 55 वर्ष, उषा साहू 52 वर्ष, योग्यांश साहू 3 वर्ष, ईशान साहू 1.5 साल है।